अरे विराट भाई, अरे भैया, अब की बार अंग्रेजी सरकार और तुम लोग सेमीफाइनल में हारने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि नाम है मेरा मोइन अली और सेमीफाइनल तक आने के लिए हमने अच्छी अच्छी टीमों को भुला दिया घर की गली। अरे मेरे यार मोइन अली, मानते हैं तुमने अच्छी अच्छी टीमों को भुला दिया घर की गली, लेकिन हमारे आगे किसी भी टीम की एक न चली, क्योंकि हम हैं सारी टीमों के बाप बाहुबली, समझे। अरे विराट भाई, यार भैया ये तो वक्त बताएगा कौन है बाहुबली। यार भैया तुम लोग हारने के लिए तैयार रहो, देखो भाई हम अंग्रेज लोग हैं, ईमानदारी से नहीं तो बेईमानी से, लेकिन जीतेंगे जरूर। अरे भैया यहाँ तक आए हैं तो फाइनल तक भी जाएंगे और वर्ल्ड कप को जीत कर इंग्लैंड ले जाएंगे। अरे लिविंगस्टन यार भाई, वर्ल्ड कप जीतने की कहानी मत बताओ अपने बाप को और मैच हारने की तसल्ली दिला लो अपने आप को। अरे भैया इस बारी वर्ल्ड कप जीतेंगे हम और हमको वर्ल्ड कप में हराने का किसी भी टीम में नहीं है दम, समझे। अरे रोहित भाई, यार भैया रहने दो, काय के लिए लंबी लंबी मार रहे हो। अरे भाई ये तो वक्त बताएगा कौन किसको हराएगा। और भैया ये बेफालतू में लंबी लंबी मारने से कुछ नहीं होता, समझे। वो तो शुक्र करो तुम्हारी टीम में कोहली भाई और सूर्य कुमार फॉर्म में चल रहे हैं, वरना तुम्हारी टीम कब की बाहर हो जाती, समझे। अरे बटलर यार भाई, काय के लिए चूतियों जैसी बात कर रहे हो। अरे भाई जब हम अपनी टीम में खेलेंगे तो फॉरम में ही तो खेलेंगे। अरे भैया हम अपनी टीम में हमेशा फॉरम में खेलते हैं और तुम्हारी जैसी हल्की टीमों को धुआंधार पेलते हैं। अरे सूर्य यार भाई, तुम हमारी टीम को हल्की टीम बता रहे हो। अरे भाई मुझे लगता है तुम हमारी टीम के बारे में जानते नहीं। अरे भैया हमारी टीम में है एक से बढ़कर एक खिलाड़ा और तुम्हारी टीम का तो आराम से तोड़ देंगे पिछवाड़ा, समझे। अरे भाई तुम बकवास कर रहे हो, इससे बढ़िया हम तुम्हें बता रहे हैं तुम हारने के लिए अपनी पीठ पक्की कर लो, समझे। अरे मोइन अली यार भाई रहने दो, काय के लिए हमसे बेफालतू में बहस कर रहे हो। अरे भाई जब हम पहले ही कह रहे हैं हमको हराना तुम्हारे बस में नहीं है, समझे। अरे भाई हम तुम्हारे बाप हैं और हमको हराना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप है, समझे। अरे कोहली भाई, यार भैया हमको लगता है तुम कोई खिलाड़ी बिलाड़ी नहीं, तुम तो बस लंबी लंबी मारने के लिए ही रहते हो। अरे भाई तुम बात ही बड़ी बड़ी करते हो या फिर काम भी करते हो, हल्की पुल्की टीमों को हरा के सेमीफाइनल में आ गए, यहाँ पर लंबी लंबी मार रहे हो। अरे भाई एक बात याद रखना, नाम है मेरा लिवम लिविंगस्टन और मैदान में बहुत तगड़ा खेलता हूँ और तुम्हारी जैसी हल्की टीमों को हल्के हाथों से ही पेलता हूँ, समझे। अरे लिविंगस्टन यार बेटे मान जाओ, हम तुमसे कह रहे हैं मान जाओ। अरे भाई हमको लगता है तुमने हमारी बैटिंग देखी नहीं है। अरे तुम्हारे गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के नजर आएंगे, समझे। अरे ये मोइन अली, अरे तू हमसे ज्यादा बकवास कर रहा है। अबे इतने लगाऊंगा चौके छक्के कि तुम लोग रह जाओगे हक्के बक्के, गेंद तेरी टकली पे टप्पा खाओगे, बाउंड्री के बाहर जाएगी, समझा। अरे सूर्या यार भाई रहने दो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, समझे। अरे भाई तुम गेंद टकली पे टप्पा खिलवाओगे। अरे भैया तुम टकली तक गेंद भेजोगे तो हम कैच नहीं ले लेंगे। यार भैया तुम टकली पे टप्पा खा के बाउंड्री के बाहर कर रहे हो, हम डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर कर देते हैं, समझे। अरे भाई नाम है हमारा मोइन अली और हमारे आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की नहीं चली, समझे। अरे मोइन अली यार भाई, जिनकी बल्लेबाजी तुम्हारे आगे नहीं चली वो बल्लेबाज थे बच्चा, और अपने बाप से नहीं लो पंगा वरना हम फाड़ देंगे तुम्हारा कच्चा, समझे। अरे रोहित भाई, यार भैया जब तुम लोग बकवास कर रहे हो तो एक बात हमारी भी सुन लो। अरे भैया कौन किसको हराएगा ये तो वक्त बताएगा, और इंग्लैंड भारत को हरा के सीधा फाइनल में जाएगा, समझे। अरे बटलर यार भाई देखो, तुम शायरी मारते हो, हम गेंदबाजों को मारते हैं और बकवास करने वालों का हम हराने के बाद नशा उतारते हैं। अरे दोस्तों यार तुम ही बताओ इन अंग्रेजों की औकात है हमको हराने की, कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल मत जाना, ठीक है।